नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, अडानी पावर में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये स्टॉक कहां से कमबैक करेगा और ये गिरावट कहां तक होने वाली है, ठीक वही लेवल्स आज के दिन आपको होते हुए भी दिखाई दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक ने आज के दिन अपना जो लो बनाया है 89.20 रुपये का, और वहीं उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक ने सीधा अपर सर्किट की तरफ जाते हुए नजर आया और 97.75 रुपये के हाई पर के अप ट्रेड कराओ और अपर सर्किट स्टॉक में लग चुका है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों चल रहा है और स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अडानी के जितने भी शेयर हैं उन सभी में अडानी नाम, क्योंकि आप जानते हैं अडानी इस समय क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर है पिछले कुछ सालों से, उसके पीछे रीजन आपको पता ही है, तो फालतू कहने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है अडानी पावर के पास जो आने वाला फ्यूचर है उसकी भी वजह देखी जा रही है और दूसरी कुछ रियायतें भी इन्हें मिलती रहती हैं अंदर अंदर, बाहर से दिखें या ना दिखें। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पे अडानी पावर में अभी जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो अब 120 रुपये से ऊपर का टारगेट आपको अभी लेकर के नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। 120 रुपये के लेवल से यहाँ पर वापस प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, क्योंकि आप चार्ट में भी देखेंगे कुछ इस तरीके का चार्ट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली बार जब इस स्टॉक ने आपको 111 रुपये के लेवल तक जाते हुए नज़र आया और उसके बाद लोअर सर्किट लग गया, तो ये ऐसे लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगते रहते हैं और अपर सर्किट भी लगते रहते हैं। लेकिन आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको लेवल्स के साथ में चलना होगा, जिससे कि आप बना सकें पैसा। और यहां पर कभी भी स्टॉक में अगर आपको खरीदारी करनी है तो नीचे के लेवल से ही खरीदारी करें, ना कि ऊपर जब स्टॉक चला जाए उसके बाद आप अपर सर्किट में ऑर्डर लगा के ना छोड़ें। अगर आप रेगुलर किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अडानी में अब आपका कमबैक वापस से होते हुए नज़र आ ही गया है दोस्तों, लेकिन इन लेवल्स को देखना नहीं भूलना दोस्तों। बाकी आप सबको जानती हैं इस स्टॉक के बारे में, वैसे अगर पी लेवल की बात करें तो काफ़ी नीचे के लेवल पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोग 52 वीक हाई पर फंसे हुए हैं 166.90 रुपये के प्राइस से, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिन लोगों ने अपना एवरेज कर रखा है, क्योंकि एवरेज के लिए भी काफ़ी दिन पहले मैं बता चुका था एवरेज कर रखा है, तो वो लोग अब थोड़ा जल्दी ही इस स्टॉक से निकलने के अगर मौके देख रहे हैं तो निकलने के मौके उनके बन जाएंगे। बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क लेकर के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लिमिटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अडानी के जितने भी शेयर्स हैं, तो थोड़ा सा रिस्की है, रिस्क है, इस बात को अपने मन में रखिए, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ दोस्तों। ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिस्क दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपके पास किस प्राइस पे कितने शेयर्स अवेलेबल हैं और आप क्या करने का सोच रहे हैं।